देखो यार, Redmi, Xiaomi या Poco डिवाइस के लिए अगर आपको एक प्रीमियम थीम चाहिए, ये थीम ट्राई करो। अप्लाई करने के बाद पूरा फोन का लुक चेंज हो जाएगा। काफी प्रीमियम आपको आइकन्स देखने को मिलता है, देख सकते हैं आपको आइकन्स में कहीं भी कमी नहीं देखने को मिलता, सभी आइकन्स चेंज हो जाता है। इस आइकन पैक में जो काफी अच्छा आइकन्स देखने को मिलता है, लुक काफी अच्छा आइकन का और चेंजेस भी है। और आपको ऐसा कुछ विजेट देखना मिलता है, iOS इंस्पायर्ड काफ़ी क्लीन और मिनिमल विजेट है। और सिमिलर आपको जो है सेम कलर का वॉलपेपर भी देखना मिलता है। गूगल का फोल्डर हो गया, होम स्क्रीन हो गया, टूल्स का फोल्डर हो गया, सभी जगह आपको सिमिलर आइकन्स देखने मिल जाता है। और आइकन पैक सच में नेक्स्ट लेवल है। कंट्रोल सेंटर भी चेंज हो जाता, पूरा UI चेंज होता है कंट्रोल सेंटर का, जो कि आप देख सकते हैं। आपको स्क्वायर टॉगल्स देखने मिलता है। ब्लू कलर का आपको जो है इसका स्लाइडर्स और बाकी सब टॉगल्स को जो है अनेबल करने में देखने मिलता है। न्यू टाइप का पूरा UI और लुक भी है। और साथ ही साथ आपको जो सेटिंग्स का UI में काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक देखने मिलता है। सेपरेशन और जो है आपका सेटिंग्स का सभी टॉगल्स चेंज हो जाता है, एक भी टॉगल्स मिसिंग नहीं है, जो कि सच में एक नेक्स्ट लेवल। मतलब थीम में आपको पता ही है ज़्यादातर टॉगल्स जो मिसिंग होता है ज़्यादातर थीम्स में, बट इसमें मिसिंग नहीं है, जो कि अच्छा बात है। अबाउट फोन में भी आपको चेंजेस देखने मिल जाएगा। सेपरेशन है मोस्ट प्रॉब्ली वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। फिर आपको डिटेल इन्फो एंड स्पेक्स पर भी चेंजेस देखने मिलता है, वही सिमिलर सेपरेशन। और आपको बॉर्डर एक तो देखने मिलता है, तो एक अलग सा लुक भी देखने मिल जाएगा। डिस्प्ले में भी आपको चेंजेस देखने मिल जाएगा। ये आपका थीम जो है डार्क मोड को सपोर्ट नहीं करता, तो लाइट मोड के साथ यूज़ करो, बेटर रहेगा। डार्क मोड के साथ डिफॉल्ट लुक में चल जाने वाला थीम। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में भी चेंजेस देखने मिल जाता। और बताओ ऐसा जो शूट किया गया है तो 50mm के साथ कैसा लग रहा है लुक? और भी कुछ ऐड हो जाएगा बैकग्राउंड में ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट हाँ, कैसा लग रहा है ये बताओ, या पहले वाला अच्छा था? फिर एडिशनल सेटिंग्स पे कैसा, मतलब चेंजेस में भी आपको सिमिलर देखने मिलता है। और मेरे को पर्सनली इसका UI अच्छा लगा, डार्क मोड के साथ भी अच्छा लगता, बट डार्क मोड सपोर्ट नहीं करता, सैड। बट हाँ, चेंजेस काफ़ी अच्छा है और सभी टॉगल्स चेंज हो जाते हैं। सेटिंग्स में एक भी टॉगल्स मिसिंग नहीं, कहीं भी कमी नहीं है थीम में। परफेक्ट थीम है डेली यूज़ के लिए। और जो डायलॉग मैसेजेस आप चेंज नहीं होता, ना वॉल्यूम स्लाइडर में कलर चेंज होता, जो कि वॉल्यूम स्लाइडर का अगर कलर चेंज कर दिया जाता तो एक कंप्लीट थीम होता। बट हाँ, यहीं पर आपको जो थोड़ा बहुत कमी देखने मिल जाता। लॉक स्क्रीन में आपको iOS इंस्पायर्ड जो पूरा लुक देखने मिल जाएगा। बैटरी हो गया, फिर आपका बाकी और भी ऑप्शन देखने मिलता है, पानी और ये सब जो है बाकी। और फिर आपका डेट एंड टाइम ऑफ डे और विजिट सच में काफ़ी क्लीन और मिनिमल लुक के साथ देखने मिलता है। iOS इंस्पायर्ड वाला लुक है। और आपको सेम वॉलपेपर लॉक स्क्रीन में भी देखने मिल जाएगा। नीचे आपको कॉल और कैमरा का ऑप्शन देखने मिलता है। और हाँ, बोल सकते हैं कि आपको जो iOS इंस्पायर्ड पूरा लॉक स्क्रीन का लुक देखने मिल जाएगा। और डबल टैप, ट्रिपल टैप, स्वाइप डाउन, स्वाइप अप, कुछ भी करने से कुछ भी नया नहीं अनेबल होने वाला। तो हाँ, थीम अच्छा है, क्लीन थीम है, परफेक्ट है डेली यूज़ के लिए। आप जो है अपना फ़ोन में ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको डाउनलोड मारना है, जाओ थीम स्टोर में, सर्च करो पावर UI, बताओ कैसा लगा ये थीम डाउनलोड करने के बाद। डाउनलोड जल्दी से करो, अप्लाई करो और चेंजेस देखो फ़ोन का। काफ़ी नेक्स्ट लेवल चेंजेस देखने मिलेगा इस थीम में, जो कि पावर UI इसका नाम है। सेम टू सेम आपको जो आपका थीम स्टोर में जाकर सर्च में थीम का सेक्शन में जाकर सर्च करना होगा पावर UI। और जल्दी से जाओ, सर्च करो, डाउनलोड करो, अप्लाई करो, बताओ नीचे, कॉमेंट करो, काम करो, कॉमेंट करो, सर्च करो, थीम को डाउनलोड करो, कॉमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक मारो, लाइक ही 111 रखते हैं, जाओ यार कंप्लीट करो, वीडियो को शेयर करो, कुछ पूछना नीचे कॉमेंट करो, सजेस्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।